हाउज़ बिल्लाशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज की इस वीडियो में हम ज़िंदगी के सुनहरी असूल किरदार के ऊपर बात करेंगे कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए किरदार आला किरदार का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको अपने किरदार के ऊपर नज़र दौड़ानी होगी कि आपका किरदार माशरे के अंदर, अपने हल्का अहबाब, दोस्तों, रिश्तेदारों के अंदर जो है वो आपका किरदार कैसा है। यानी अगर आप जहाँ पर काम भी करते हैं तो आपका वहाँ पर भी किरदार कैसा है। तो आला किरदार आपकी शख्सियत के अंदर निखार पैदा करता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, माशरे के अंदर आपकी एक अलग पहचान होती है। यानी अगर आपका किरदार अच्छा है तो आपके दूसरे इंसानों से आपकी पहचान जो है वो अलग से जो है वो होती है। तो आला किरदार की मिसाल ऐसे ले लें कि अगर आपके पास दौलत, आपकी दौलत चली जाए तो ये समझ लें कि आपका कुछ भी नहीं गया। अगर सेहत चली जाए तो यानी थोड़ा बहुत कुछ जाता है, और अगर आपका किरदार चला जाए तो ये समझ लें कि आपका सब कुछ जो है वो चला गया। यानी आपका किरदार अगर चला जाए तो ये समझ लें कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो किरदार क्या है? किरदार आपकी शख्सियत के अंदर निखार पैदा करता है। आप अगर आपका किरदार अच्छा है तो आप अच्छे दोस्त बनाएंगे, अगर आपका किरदार बुरा है तो आप बुरे दोस्तों की तरफ जाएंगे। यानी अच्छा किरदार अच्छे दोस्त पैदा करता है और बुरा किरदार जो है वो बुरे दोस्त पैदा करता है। तो अपने किरदार के ऊपर आपको नज़र ज़रूर दौड़ानी चाहिए, यानी कि आपका जो है वो किरदार कैसा है। तो आला किरदार जो है वो यानी हम अगर कहीं काम करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा दूसरों के साथ जो है मामला क्या है, ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए। किरदार हमारी आदतों का अक्स होता है, यानी इसलिए कि हमें ये फ़ैसला करना होगा कि हम जो है वो तकरीब से जो है वो दूर रहें और तमीरी काम करें, तमीर को अपनाएं, ताकि हमारे अंदर जो है वो किरदार का जो है वो आला जो है मकाम जो है हम उसको किरदार का आला मकाम जो है वो हासिल कर सकें। तो हमें चाहिए कि हम अच्छी आदतों को अपनाएं, बुरी बुराइयों से दूर रहें, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है वो हमारे दिल के अंदर एक चाह होनी चाहिए कि अच्छा किरदार, अच्छे किरदार वाला इंसान बनने की, तो हम अपने अंदर से जो है बुराइयों को दूर कर पाएंगे। यानी अगर हमारे अंदर एक चाह हो, हमारे अंदर एक विल हो कि हम जो है वो एक अच्छा इंसान दुनिया के अंदर जो है वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, तो फिर ही हम हमारे अंदर जो है वो किरदार की हमारे अंदर तामीर होगी। लेकिन अगर हमारे अंदर चाह ही ना हो तो हम अपने अंदर से जो है हम अपने आप को जो है वो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो किसी से अगर हम कोई वादा करें तो हमें उसको पूरा करें, यह आला किरदार की एक अहम जुज़ है। यानी कि हम अगर किसी से वादा करते हैं तो उसको पूरा कर दें, कोई अमानत हमारे पास रखता है तो उसमें ख़यानत ना करें, तो ये भी आला किरदार है। हम अपने आप के गुस्से को कंट्रोल करें, अगर हम आप गुस्से में कंट्रोल करते हैं तो ये भी आला किरदार की एक पहचान है, यानी कि हम जो है वो गुस्से को जो है वो कंट्रोल कर पाएँ, लड़ें झगड़ें नहीं दूसरे से। तो क्या है कि यानी ये हमारे अंदर जो है आला किरदार की एक पहचान है। यानी हमारा किरदार अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। तो इंसान का वजूद कितना ही हसीन क्यों ना हो, बहुत ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन किरदार इंसान से हमेशा जो है वो बाजी ले जाता है। यानी अगर आपका किरदार अच्छा है तो वो शक्ल सूरत पर जो है वो उसके आगे कोई अहमियत नहीं। अगर इंसान का जो है जैसे जिस्म अगर मर भी जाता है तो उसका किरदार जो है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो हमेशा किरदार को ज़िंदा रखने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने किरदार को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, दूसरों के साथ मामलात को अच्छा करें, तो हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो दुआएं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम मुझे भी और आपको भी अच्छा किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कोशिश करेंगे अपने ज़िंदगी के अंदर जो है वो आला किरदार अपनाने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी ख़ास याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।